अखिल भारतीय संत समाज ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। साधु संतों ने कहा कि पठान फिल्म मध्य प्रदेश में प्रदर्शित न होने दी जाए और सनातन धर्मी इसका बहिष्कार करें। अखिल भारतीय संत समाज के प्रवक्ता महंत अनिलानंद ने कहा कि फिल्म पठान में हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है। इस रंग को पहनकर अश्लीलता फैलाई गई है। जिस प्रकार से फिल्मांकन भगवा रंग पहनकर किया गया है एवं इस रंग को बेशर्म रंग की संज्ञा प्रदान की गई है, यह निंदनीय है। उन्होंने कहा, भगवा रंग हमारे साधु संतों का रंग है, त्याग तपस्या का रंग है। यह रंग भगवान के मंदिरों पर लहराने वाले ध्वज का रंग है। इस रंग को देखकर हर सनातन धर्मी प्रणाम करता है और इस रंग के बारे में इस प्रकार का फिल्मांकन संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पठान मूवी को लेकर आज हमारा पूरा संत समाज यहाँ पे उपस्थित है आपकी प्रेस के सामने। पठान मूवी में हमारे भगवे रंग का जिस प्रकार से अश्लीलीकरण किया गया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि भगवा रंग हमारे मंदिर का रंग है, हमारे ध्वजा का रंग है, हमारे साधु संतों का रंग है, सनातन धर्म के प्रेमियों का रंग है और ये माने कि हिंदू समाज का एक प्राण है। आज आप उस पर इस प्रकार का जो आघात कर रहे हैं उसको संत समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सरकार से मांग भी करते हैं और साथ में चेतावनी भी देते हैं कि मध्य प्रदेश में ये पिक्चर अगर किसी टाकिज में लगाई गई तो पूरा संत समाज रोड पे आएगा और उस टाकिज में क्या होगा वो आगे आप सब जानते हैं। संस्कृति बचाओ मंच के प्रमुख पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि हम फिल्म के निर्माता व हीरो और हीरोइन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि सनातन धर्म को किसी भी प्रकार से जो अपमानित करने का प्रयास करेगा उसको साधु संत एवं सनातन धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। संस्कृति बचाओ मंच पठान फिल्म का शुरू से विरोध करता आ रहा है और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि अगर भगवा रंग बेशरम रंग है तो इस फिल्म में से इस पार्ट को हटाया जाए, इस गाने को हटाया जाए। हम माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इस और ध्यान दिया और उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसका हम स्वागत करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।